everyone, how are you all doing? Welcome to your class. Today we will do a new chapter from your book Literary Journeys, an English reader pre-primer book by Brain Root series. So hamare chapter ka naam aaj hai use of and. Chaliye to dekhte hain is chapter mein hame kya padhna hai. आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि जब हमें दो चीज़ों को एक साथ लिखना हो, जब हमें दो चीज़ों को एक साथ लिखना हो तो हम एंड यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड इज़ यूज टू जॉइन टू वर्ड्स टुगेदर. दो वर्ड्स को एक साथ लिखने के लिए एंड यूज़ होता है. जैसे हम हिंदी में और बोलते हैं ना, है ना, वैसे ही हम इंग्लिश में एंड बोलते हैं. अ कैट एंड अ रैट, एक बिल्ली और एक चूहा, और बोला ना मैंने, ऐसे इंग्लिश में हम एंड बोलते हैं. अ लीफ एंड अ फ्लावर, एक पत्ती और एक फूल, तो और बोला ना मैंने, तो और का मतलब इंग्लिश में होता है एंड. अ हेन एंड एन एग्स, अ डॉग एंड अ पप. ओके, नेक्स्ट, अ टेबल एंड अ चेयर, अ कप एंड अ प्लेट. ठीक है, तो दो चीज़ों को एक साथ लिखने के लिए हमने क्या यूज़ करा बच्चों, हमने एंड यूज़ करा. वेरी गुड. चलिए अब हमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एंड. अ लॉक एंड अ की, क्या स्पेलिंग होती है बच्चों एंड की, ए एन डी. ठीक है, अ बुक एंड अ कॉपी, a book and a copy, a pencil and an eraser, a pencil and an eraser, father and mother, father and mother. ठीक है, तो दो लोगों को, दो ऑब्जेक्ट्स को, कोई भी चीज़ को, दो कोई दो, कोई भी चीज़ें जब दो हो, अगर आपको उन्हें एक साथ लिखना है तो आपको and लगाना है बीच में. ठीक है, thread and needle. ठीक है, अ बैट एंड अ बॉल, ब्रेड एंड बटर, द सन एंड द मून. ठीक है, हमने अब सीख लिया कि हमें एंड कैसे यूज करना है, राइट. चलिए अब हम पढ़ेंगे शेप्स के बारे में. ठीक है, किसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, बताइए. अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेप्स के बारे में. ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास है ट्रायंगल, ट्रायंगल रोड साइन, स्क्वायर चेस बोर्ड. स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये जो शेप होती है ना गोल, इसे हम सर्कल बोलते हैं, सर्कल बटन. नेक्स्ट वी हैव रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ब्लैक बोर्ड. ओके, नेक्स्ट ओवल, ओवल एग, जो अंडा होता है वो ओवल होता है ना. नेक्स्ट इज कोन, कोन आइसक्रीम. आप सबने बच्चों आइसक्रीम कोन खाया होगा, है ना, तो ये जो कोन, ये वाली शेप होती है ना, इसे हम कोन बोलते हैं. दोबारा से पढ़ेंगे, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ओवल, कोन. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट इज क्यूब, डाइस होता है ना, जिससे आप लूडो खेलते हैं, स्नेक्स एंड लैडर खेलते हैं, वो होता है क्यूब शेप का. ठीक है, क्यूबॉइड, कबर्ड जो आपकी होती है क्यूबॉइड शेप की हो सकती है. स्फीयर, जो बॉल होती है सर्कल जैसा ही होता है, स्फीयर. ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर. ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर.